कि ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए। मुझे बताओ हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में नहीं हटाती थी। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार रहा दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। माताओं भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, ये सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर 138,000 घरों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर भेजने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया है। घर घर जल के अभियान के तहत हिमाचल के 8,00,000 से ज्यादा परिवारों के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम किया है। और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर योजना के माध्यम से समग्र हिमाचल को 5,00,000 तक का स्वास्थ्य का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। भाई कार्ड दिखाओ, इलाज करो और घर पे जाओ। एक जमाना था जब गरीब के घर में बड़ी बीमारी आती थी तो बाप ही कहता था, बेटा रहने दो, मैं तो बीमारी से मरूंगा और तुम मर जाओगे ऋण के बोझ से। और बेटा भी बेचारा लाचार होकर देखता रह जाता था। आज मैं हिमाचल के बेटे को कहने आया हूं, आप श्रवण बन गए हो भाई, कैंसर हो, दिल का दौरा पड़े, लकवा हो जाए, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, चिंता मत करिए, 5,00,000 तक का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बूढ़े बाप का ढंग से इलाज कराना, आशीर्वाद मिलेंगे। और माताओं को कहता हूं, अब गरीब माताओं को, कि अपने बच्चों का भी ढंग से इलाज कराना, पैसे की चिंता नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर करेंगे।